काफी अच्छा लगता है। पैतालीसवीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी, प्रश्न क्रमांक 219 गाथा का पाठ यहाँ से करते हैं। असुहादो विनिवेति सुहे पवित्ति अजान चारे तम वद समिधि गुत्ति रूपम व्यवहारेण यातु जीर्ण भणियम कहे अब बिते दूरी कारित पो व्यवहारे पूरी प्रत्यरु समिति गोपी जामाई मुनि धारे अति यतन कराई। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इसे जैन भगवान ने व्यवहार नहीं से व्रत समिति गुप्ति रूप व्यवहार चारित्र कहा है। व्यवहार चारित्र को ही सलाह चारित्र की संज्ञा यहाँ पे दी टीका में कि इसे ही सलाह चारित्र कहा गया है। चारित्र के दो भेद किए थे, एक देश चारित्र और सकल चारित्र। तो एक देश चारित्र के अंतर्गत जो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप था उसकी चर्चा कल अपन ने देखी थी, और आज जो सकल चारित्र है उसकी चर्चा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 221 पे अब एक देश चारित्र के व्याख्यान के पश्चात सकल चारित्र का उपदेश करते हैं। हे शिष्य, अशुभ कार्यों से निवृत्ति और शुभ कार्यों में प्रवृत्ति को तू चारित्र जान। क्या कह रहे हैं? अशुभ कार्यों से निवृत्ति और शुभ कार्यों में प्रवृत्ति, इसको चारित्र जानो। हे शिष्य, अशुभ कार्यों से निवृत्ति और शुभ कार्यों में प्रवृत्ति को तू चारित्र जान। अशुभ कार्य और शुभ कार्य, इस प्रकार के दो भेद यहाँ पे किए गए हैं। कार्य कहकर के यहाँ पे माने शरीर की क्रिया और अंतरंग में होने वाले जो राग द्वेष के परिणाम हैं, उन दोनों की चर्चा यहाँ पे की जाएगी, और आगे नयों के माध्यम से उसको स्पष्ट भी किया जाएगा कि किस नये से कौन सी बात कही जा रही है। मूल बात इतनी है कि अंतरंग में राग द्वेष परिणामों से निवृत्ति होना और बाहर में अशुभ पर जो कार्य है, अशुभ क्रिया है, उनसे निवृत्ति होना और शुभ उपयोग में और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति होना, उसे चारित्र कहा जा रहा है। वह चारित्र कैसा है? व्रत समिति और गुप्ति रूप है और व्यवहार नये से श्री जिनेन्द्र भगवंतों द्वारा कथित है। तो चारित्र को व्रत समिति और गुप्ति रूप कहा गया, क्योंकि ये सकल चारित्र की चर्चा है, और सकल चारित्र में जो मुनि राजों का आचरण, मुनि राजों के जो व्रत संयम आदि है उनकी चर्चा यहाँ पे ली जा रही है। तो वे महाव्रत के धनी होते हैं, तो महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्ति रूप, इस प्रकार से व्यवहार चारित्र
नए से श्री जैन भगवंतों द्वारा कथित है, वह इस प्रकार है। प्रत्याख्यानावरण नामक तीसरे कषाय का क्षयोक्षम होने पर, प्रत्याख्यानावरण माने अनंतानुबंधी आदि कषायों में तीसरे प्रकार की कषाय है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ तो चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन, जिसे दार्शनिक कहा। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव हुआ तो पांचवा गुण स्थान हुआ, जहाँ पे क्रम से 11 प्रतिमाएं होती हैं। अब जब तीसरी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, माने प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, तो उसके अभाव में सकल संयम अथवा सकल चारित्र उत्पन्न होता है। अप्रत्याख्यानावरण के अभाव में एक देश संयम और प्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव में सकल चारित्र उत्पन्न होता है। मतलब इतनी कषायों का अभाव होना और उस कषाय के अभाव में जो वीतरागता उत्पन्न हुई है अथवा जो शुद्धि की वृद्धि हुई है उसका नाम सकल संयम है। और जब ऐसी शुद्धि की वृद्धि होती है तो सहज ही बाहर में भी कुछ शारीरिक क्रियाओं में भी वो शुद्धि दर्शा माने प्रदर्शित होती है, अपने आप वो शुद्धि बाहर के आचरण में भी आती ही आती है। तो वह प्रत्याख्यानावरण नामक तीसरे कषाय का क्षयोक्षम होने पर, अब यहाँ पे प्रवचन सार जी की गाथा के आधार से अशुभ उपयोग को समझाया जा रहा है। माने अशुभ उपयोग किसे कहते हैं, जिसका उपयोग विषय कषायों में मग्न है, दुश्रुति विकथा दुष्ट चित्त और दुष्ट गोष्ठी खराब संगति सहित है, जो उग्र है और उन्मार्ग में तत्पर है, उसे वह अशुभ उपयोग है। अशुभ उपयोग का वर्णन किया, क्योंकि शुभ उपयोग का वर्णन तो मूल गाथा में कर दिया। शुभ उपयोग किसे कहना, इव्रत समिति मुक्ति रूप वह शुभ उपयोग है। तो अशुभ उपयोग को और समझाना था तो उसके लिए यहाँ पे प्रवचन सार जी का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जिसका उपयोग विषय कषायों में मग्न है। विषय कषाय माने विषय माने पांच इंद्री के जो पदार्थ विषय है, स्पर्शन इंद्री के विषय, ठंडा गर्म रूखा चिकना कड़ा नरम आदि, ये सब स्पर्शन इंद्री के विषय हैं। रसना इंद्री के विषय जो स्वाद है, ये सब रसना इंद्री के विषय हैं। खट्टा मीठा कशाला चरपर, ये सब रसना इंद्री के विषय। ऐसे ही एक एक जो पंचेंद्री के विषय हैं वे विषय, और उनमें होने वाली जो राग द्वेष की परिणति है वह कषाय। तो विषय और कषाय, तो जिसका उपयोग विषय कषायों में मग्न है, दुःश्रुति माने वी कथाओं में जिसका मन लगता है, ये जो अपनी कथा चल रही है कौन सी कथा चल रही है, ये सुकथा है। कथा का मतलब अकेला कथा कहानियां नहीं होता है, कथा मतलब कि पंच इंद्री के विषयों की चर्चा वार्ता होना वह सब वी कथा, और मोक्ष मार्ग की चर्चा होना वह सब सुकथा। विकथा में राज कथा, देश कथा, भोजन कथा, भोजन की चर्चा करना वो भी वी कथा ही है, राजपाट की चर्चा करना ये सब वी कथा के अंतर्गत आता है। तो देखिये, दुःश्रुति अर्थात वी कथा, दुष्ट चित्त और दुष्ट गोष्ठी, गोष्ठी मतलब खराब संगति। गोष्ठी माने जैसे होता है पहले के जमाने में गोष्ठियां हुआ करती थी, तो लोग इकट्ठे होकर के किसी विषय पे चर्चा वार्ता करना। टोडरमल जी का जब अपन आप पढ़ते हैं प्रसंग, तो उनपे भी बड़ी बड़ी गोष्ठियां होती थी। तो गोष्ठी मतलब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते थे और वो तत्व चर्चा होती थी, उसे गोष्ठी कहा जाता है। तो दुष्ट चित्त और दुष्ट गोष्ठी खराब संगति सहित है, जो उग्र है और उन्मार्ग में तत्पर है। उन्मार्ग वाले एक होता है सन्मार्ग, और सन्मार्ग से विपरीत उन्मार्ग। सन्मार्ग माने सही मार्ग, सही रास्ता। तो जो सही रास्ते को छोड़ करके विपरीत रास्ते पर जा रहा है तो उसे कहते हैं उन्मार्ग। तो जो उन्मार्ग में तत्पर है उसे वह अशुभ उपयोग है। माने ये अशुभ उपयोग का लक्षण बताया कि जो विषय, जिसका मन विषय कषायों में ही लगता है, दुःश्रुति अर्थात वी कथा में, दुष्ट चित्त जिसका रहता है, दुष्ट गोष्ठी में जिसका मन लगता है, और जो उन्मार्ग में तत्पर है, विपरीत मार्ग में जो आगे बढ़ रहा है, उसे वह अशुभ उपयोग है। इस गाथा में कथित लक्षणों युक्त अशुभ उपयोग से निवृत्ति और उससे विपरीत शुभ उपयोग में प्रवृत्ति, उसे हे शिष्य तू चारित्र जान। तो अब शुभ उपयोग क्या हो जाएगा,
जैसे यहाँ पे कहा अशुभ उपयोग माने विषय कषायों में मग्न है, ये अशुभ उपयोग, तो विषय कषायों में मग्न नहीं होना ये शुभ उपयोग हो गया। अब ऐसे एक एक का लगा था, जो विकथा में मग्न है वह अशुभ उपयोग, और सुकथा में मन लग रहा है इसका मतलब ये शुभ उपयोग है। राजपाट की चर्चा होना, भोजन आदि संबंधी चर्चा होना, स्त्री संबंधी चर्चा होना, ये सब विकथाएं हैं। तो अब इनसे विपरीत सात तत्व छह द्रव्य इनकी चर्चा होना, मोक्ष मार्ग की चर्चा होना, ये सब सुकथा। दुष्ट चित्त, तो जिसका सरल चित्त है वह शुभ उपयोग, दुष्ट चित्त माने अशुभ उपयोग। दुष्ट गोष्ठी माने खराब संगति होना, तो ये अशुभ उपयोग, और सही संगति होना, सत्संगति होना, वह शुभ उपयोग। और जो उग्र है माने तीव्र है, कषायों में अधिक तीव्रता रहती है, तो जिसके परिणाम मंद हुए, शांत हुए हैं। और जो उन्मार्ग में तत्पर है, तो जो सन्मार्ग में तत्पर है वह शुभ उपयोग। ठीक, तो इस गाथा में कथित लक्षणों युक्त अशुभ उपयोग से निवृत्ति और उससे विपरीत शुभ उपयोग में प्रवृत्ति, उसे हे शिष्य तू चारित्र जान। आचार आराधना आदि चरणानियों के शास्त्रों में कहे अनुसार वह चारित्र पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्ती रूप है। एक प्रकार से शुभ उपयोग का वर्णन किया कि वह शुभ उपयोग माने जिसमें प्रवृत्ति की बात की जा रही है, तो किसमें प्रवृत्ति करना, ये व्रत में, समिति में और गुप्ती में, ये पांच प्रकार के महाव्रतों का पालन होना, पांच प्रकार की समिति का पालन होना और तीन प्रकार की गुप्ती का पालन करना, यह शुभ उपयोग में प्रवृत्ति है। तो वह चारित्र पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन मुक्ति रूप है। तो भी अपरहित संयम नामक शुभ उपयोग लक्षण युक्त सराग चारित्र है। देखिए क्या कहा जा रहा है, ऊपर जो महाव्रत आदि को संज्ञा दी, वह कैसी संज्ञा दी, एक चारित्र है शुभ उपयोग में प्रवृत्ति रूप, एक चारित्र है। तो भी क्या कह रहे हैं, अपरहित संयम नामक शुभ उपयोग लक्षण युक्त सराग चारित्र है। अपरहित संयम माने अपरहित माने अपहृत माने अपहरण कर, अपहरण शब्द होता है, तो अपहृत माने जिसका अपहरण कर लिया गया हो वह अपहृत। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अपहृत संयम माने किसका अपहरण किया गया है, संयम का अपहरण किया गया, शुद्धोपयोग माने जो शुद्धोपयोग रूप चारित्र है, जो वितराग चारित्र है, अथवा जैसे चारित्र की परिभाषा बनाई स्वरूपे चरणम चारित्र, माने स्वरूप में लीन होने रूप जो चारित्र है उस चारित्र का अपहरण हो गया है। माने महाव्रत और समिति और गुप्ति इन सबको क्या कहा जा रहा है, अपहृत संयम माने स्वरूप में लीनता रूप जो चारित्र है उसका अपहरण करने वाले हैं। देखिए तो भी अपहृत संयम नामक और कैसा है, शुभोपयोग लक्षण युक्त माने ये जो व्यवहार चारित्र है अथवा सराग चारित्र है उसका लक्षण बनाया कि शुभ उपयोग लक्षण, माने सराग चारित्र का लक्षण कि शुभ उपयोग लक्षण युक्त सराग चारित्र है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं, ऊपर से आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा, पहले चारित्र को स्पष्ट किया कि कहा कि अशुभ से निवृत्ति और शुभ उपयोग में प्रवृत्ति होना उसका नाम चारित्र है। अब यहाँ पे कहा उसका नाम चारित्र है तो भी, अब तो भी माने कुछ एक्स्ट्रा बताने वाले हैं, और पूर्व में जो कहकर आए हैं उसमें कुछ अपवाद खड़ा कर रहे हैं कि चारित्र कहा तो जा रहा है तो भी ये सराग चारित्र है, वास्तविक चारित्र नहीं है। क्यों, उसका कारण बताया, सराग चारित्र क्या कर रहा है, इसकी संज्ञा क्या है, ये अपहृत संयम कहलाता है। माने क्या कि जिसने संयम का अपहरण कर लिया है, माने वास्तव में तो संयम अथवा चारित्र स्वरूप में लीन हो रहा था, वो वास्तविक चारित्र है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब जीव स्वरूप में लीन नहीं होता है तो बाह्य आचरण में प्रवृत्त होता है अथवा राग द्वेष रूप उसकी परिणति होती है। तो जिस समय राग द्वेष परिणति हो रही है उस समय स्वरूप में लीनता रूप जो चारित्र है उसका अपहरण हो गया। जैसे मुनिराज है,
छठे और सातवें गुरुस्थान में झूलते, तो जिस समय वह सातवें गुरुस्थान से छठे गुरुस्थान में आए तो उस समय सातवें गुरुस्थान का अपहरण हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे इस शैली में यहाँ पे कहना चाह रहे कि सातवें गुरुस्थान में जो शुद्धोपयोग रूप लीनता थी, तो शुद्धोपयोग रूप लीनता का छठवें गुरुस्थान में अपहरण हो गया। तो अपहरण करता अच्छा होता है कि बुरा होता है? शुद्ध से शुभ में आना, तो शुद्ध का क्या हो गया? अपहरण हो गया, अपहरण हो गया। और वास्तविक संयम तो वही था, शुद्धोपयोग में जो लिंगता है वही वास्तविक संयम है। तो यहाँ पे कह रहे कि उस वास्तविक जो संयम है उसका क्या हो गया? अपहरण हो गया, अपहृत संयम नामक। ठीक है, तो अपहृत संयम नामक और उसका लक्षण सराशायण का लक्षण बताया जा रहा है कि शुभोपयोग लक्षण से युक्त है, ऐसा सराग चारित्र है। माने महाभृत पांच समिति और तीन गुप्ती, यह क्या है? सराग चारित्र है। और सराग चारित्र माने चूंकि चारित्र के साथ साथ पाया जाता है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में ये बाहर की क्रियाएं और राग द्वेष शुभ उपयोग शुभ राग साथ में पाया जाता है, इसलिए उसे भी चारित्र की संज्ञा दी गई है। लेकिन ये सराग चारित्र कहलाता है, वास्तविक चारित्र तो स्वरूप में लीनता है। क्यों? क्योंकि यह अपहृत संयम है, माने संयम का अपहरण करने वाला है वास्तव में। ठीक है, तो इस प्रकार तो भी अपहृत संयम नामक शुभोपयोग लक्षण युक्त सराग चारित्र है। माने कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो आपको अन्यत्र कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे, ऐसे कुछ विशेषण। तो इस सराग चारित्र को अपहृत संयम का। ठीक, आगे अब यहाँ पे नए व्यवहार से स्पष्ट कर रहे हैं। वहां जो बाह्य में पांच इंद्रियों के विषय आदि का त्याग है, वह उपचरित असद्भुत व्यवहार में से चारित्र है। अभी अब प्रश्न खड़ा हो सकता है, बात चारित्र की चल रही है और आप व्यवहार नय को बीच में ला रहे हो। चारित्र तो आत्मा का गुण है, आत्मा की पर्याय है, इसमें व्यवहार नय का क्या कार्य? कि अरे भाई, वस्तु का कथन नयों के माध्यम से किया जाता है, किसी भी वस्तु का कथन किया जाए, किसी भी क्रिया का कथन किया जाए, उसमें सभी नयों का प्रयोग जहां यथा योग्य संभव है उन नयों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से चारित्र को स्पष्ट किया जा रहा है। और उपचरित असद्भुत व्यवहार नय मतलब उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, आठ प्रकार के नयों में से कौन से नंबर का नय है? थोड़ा बहुत विषय याद रखना पड़ेगा आपको। पहले नंबर का नय है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। दो भेद किए थे, सद्भुत और असद्भुत। असद्भुत व्यवहार नय और उसमें भी पहले नंबर का उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। और उपचरित असद्भुत व्यवहार नय माने जो शरीर से बाहर है ऐसी वस्तुओं को अपना कहना अथवा उनका कर्ता धर्ता कहना, माने ये घर मेरा है, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन। और उस नय से कह रहे हैं कि चारित्र को स्पष्ट किया जा रहा है कि पांच इंद्रिय के विषयों को छोड़ना उसे चारित्र जानना। क्यों? क्योंकि पांच इंद्रिय के जो विषय हैं उनका कर्ता भी इस उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कहा जाएगा और उनके त्याग को भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ही कहा जा रहा है। कि मैं भोजन को भोगता हूँ, ये भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन। और मैं भोजन का त्याग करता हूँ, ये भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। क्यों? क्योंकि भोजन कैसा है? परद्रव्य है और शरीर से भी बाहर की चीज है। आत्मा से तो बाहर है इसलिए असद्भुत, और शरीर से ही बाहर है इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार नय इसमें लागू होगा। अब चाहे उसको ग्रहण करने की बात हो चाहे उसको छोड़ने की बात हो, कि भाई जब आत्मा पर वस्तुओं को ग्रहण नहीं कर सकता है तो हमने व्यवहार नय का प्रयोग किया, तो भाई उसको छोड़ भी तो नहीं सकता है। यदि पर द्रव्य में चाहे ग्रहण की बात की जाए चाहे छोड़ने की बात की जाए, वह सब है तो व्यवहार नय का ही कथन। क्योंकि वास्तव में जहां ग्रहण करने में कर्तापना बीच में आ रहा है तो छोड़ने में भी तो कर्तापना बीच में आ रहा है। तो
पर द्रव्य का कर्ता कहना, अब वह कर्ता चाहे ग्रहण करने में कहे अथवा छोड़ने में कहे, वह सब व्यवहार नय का ही विषय बनता है। इसलिए यहाँ पे कहा कि जो बाह्य में पांच इंद्रियों के विषय आदि का त्याग है वह उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से चारित्र है। अब और एक विशिष्ट अपेक्षा यहाँ पे, और अंतरंग में जो रागादि का त्याग है वह अशुद्ध निश्चय नय से चारित्र है। कौन से निश्चय नय से? अशुद्ध। ये तो और ही बात समझ में नहीं आ रही है, व्यवहार चारित्र की बात तो फिर भी एक बात को समझ में आ गई, चारित्र का वर्णन कर रहे हैं और कौन से नय का प्रयोग कर रहे हैं? अशुद्ध निश्चय नय के वर्णन कर रहे हैं। साहब एक बात बताओ, अशुद्ध निश्चय नय तो अशुद्धता को देखता है, और यहाँ तो चारित्र की बात चल रही है, चारित्र माने संवर निद्रा की बात चल रही है, और उसे आप कह रहे हैं अशुद्ध निश्चय नय से चारित्र है, ये बात तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। देखिए, अंतरंग में जो रागादि का त्याग है वह अशुद्ध निश्चय नय से चारित्र है, इस प्रकार नय विभाग जानना। अशुद्ध निश्चय नय का कार्य क्या है, अथवा अशुद्ध निश्चय नय किसे कहते हैं? वस्तु अपनी है नहीं और उसका त्याग किया जाना है। अशुद्ध निश्चय नय किसे कहते हैं? आत्मा और आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो रागादि विकार है उनके साथ आत्मा का अभेद स्थापित करना, यह अशुद्ध निश्चय नय का कार्य है। रिवीजन आपको करना पड़ेगा पुराना पूरा, कौन से नए से क्या कथन किया जाए, तब तो ये पूरा विषय प्रकरण आपको ख्याल में आएगा। तो अशुद्ध निश्चय नए माने राग और आत्मा को अभेद करके कथन करना, अथवा राग का कर्ता आत्मा को कहना, ये सब अशुद्ध निश्चय नए के विषय बनते हैं। ठीक। अब जब आत्मा को रागी कहा जा रहा है अथवा राग का कर्ता कहा जा रहा है, तब तो अशुद्ध निश्चय नए का प्रयोग हो तो हमें कोई समस्या दिखाई नहीं देती है कि आत्मा राग का कर्ता है, तो ये कथन अशुद्ध निश्चय नय से किया गया। तो जिस प्रकार आत्मा राग का कर्ता है यहाँ अशुद्ध निश्चय नय का प्रयोग किया, तो आत्मा राग को करने वाला नहीं है, अथवा आत्मा ने राग का त्याग किया, यहाँ पे कौन से नय का प्रयोग होगा? प्रश्न समझ में नहीं आया? जैसे ऊपर अपन ने समझा था पर पदार्थों के संबंध में, यह घर मेरा है, यह घर को मैंने खरीदा, ये कौन से नय का कथन है? घर संबंधी चर्चा चल रही है, घर को मैंने खरीदा, ये घर मेरा है, ये कथन कौन से नय का कथन है? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। इस घर का मैंने त्याग किया, ये कौन से नय का कथन है? ये भी उपचार असद्भुत व्यवहार नय का कथन है, क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या है? वो घर, घर संबंधी कथन किया जा रहा है, घर संबंधी चाहे ग्रहण करने का कथन करे या त्याग करने का कथन करे, वह सब उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का ही विषय बने। ऐसे ही आत्मा राग का कर्ता है, यह अशुद्ध निश्चय नय का कथन। ऐसे ही आत्मा राग के त्याग का करता है, ये भी कौन से नय का कथन होगा? ये भी अशुद्ध निश्चय नय का ही कथन होगा, क्योंकि बात किसकी चल रही है? राग की बात चल रही है, और वो राग आत्मा से भिन्न है, लेकिन उस फिर भी उनमें अभेदपना अथवा कर्तृत्व स्थापित किया जा रहा है, तो आत्मा को राग का कर्ता कहना वह भी अशुद्ध निश्चय नय का विषय, और आत्मा को राग के त्याग का कर्ता कहना वह भी अशुद्ध निश्चय नय का ही विषय, क्योंकि दृष्टि राग पे रख करके चारित्र का वर्णन कर रहे हैं कि इतने राग का अभाव होना उसका नाम क्या है? चारित्र है। तो राग के त्याग की जहां भी बात आई तो अशुद्ध निश्चय नय का विषय ही बनने वाला है। हाँ, अब किसी को यदि एंगल बदल दिया जाए कि इतनी शुद्धि की उत्पत्ति होने का नाम चारित्र है, तो ये एक दिन शुद्ध निश्चय नय का विषय बन जाएगा, और जहां राग पे दृष्टि रखकर के चारित्र का वर्णन कर रहे हैं तो वह अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनेगा। बात पकड़ में आ रही है? देखिए, तो इसलिए यहाँ पे चारित्र का वर्णन भी अशुद्ध निश्चय नय से किया कि अंतरंग में जो रागादि का त्याग है
वह अशुद्ध निश्चय नय से चारित्र है। क्योंकि यहाँ पे रागादि के त्याग की बात है इसलिए अशुद्ध निश्चय नय कहा। यही यदि ऐसा कहा जाए कि शुद्धता की उत्पत्ति होना अथवा शुद्धता की वृद्धि होना उसका नाम सकल चारित्र है, तो यहाँ पे एक जो शुद्ध निश्चय नय का प्रयोग किया जाता और यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गया तो वहां साक्षात शुद्ध निश्चय नय की बात आ जाती। तो अंतरंग में जो रागादि का त्याग है वह अशुद्ध निश्चय नय से चारित्र है। ठीक, माने जो अशुभ से निवृत्ति की बात थी ना, अशुभ उपयोग से निवृत्ति होना, अशुभ उपयोग से निवृत्ति होना माने रागादिक से निवृत्ति होना। क्योंकि जब तक ये रागादिक विषय पर कषायों में जीव उलझा रहेगा तब तक शुभ उपयोग में प्रवृत्ति नहीं होगी। तो अशुभ उपयोग से निवृत्ति होना, तो जहां अशुद्ध निश्चय नय से बात की जा रही है इसका एक तात्पर्य ये भी हुआ कि जैसे भोजन संबंधी अपन देखें, आत्मा भोजन का भोगता है अथवा भोजन संबंधी विकल्प का भोगता है। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से तो ये कहा जाएगा कि आत्मा भोजन का भोगता है, लेकिन जब उपचरित सद्भूत व्यवहार नय की बात आती है तो वहां ये कहा जाएगा कि आत्मा भोजन का भोगता नहीं है, मात्र भोजन के विकल्पों का कर्ता भोगता है। भोजन का कर्ता भोगता तो उस समय भी भोजन करते हुए भी आत्मा भोजन का कर्ता भोगता नहीं है, मात्र भोजन के विकल्पों का कर्ता भोगता है। ऐसे ही यहाँ पे जो अशुद्ध निश्चय नय की बात की जा रही है वहां पे एक तरह से ये कहा जा रहा है कि वास्तव में आत्मा विषय कषायों का कर्ता भोगता नहीं है, लेकिन विषय कषाय संबंधी जो विकल्प होते हैं अथवा जो राग द्वेष की परिणति होती है उसका कर्ता भोगता है। यदि करने रूप कर्ता भोगता है तो उस समय वो अशुभ उपयोग में प्रवृत्त है, और त्याग रूप होगा तो उसी को शुभ उपयोग में प्रवृत्ति कहा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में तो शुभ क्रियाओं का कर्ता आत्मा नहीं है, लेकिन वो शुभ क्रिया संबंधी जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, राग उत्पन्न होते हैं, उनका ही भोगता आत्मा है। तो उसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसका नाम चारित्र है। और समझ में आ रहा, माने जितना राग का अभाव होता जा रहा है उसका नाम चारित्र है, मात्र बाहर में क्रियाएं सही होती चली जाना उसका नाम चारित्र नहीं है। ये एक अशुद्ध निश्चय नय से चारित्र का वर्णन किया तो एक तरह से चारित्र का माप दिया है कि भाई चारित्र कितना प्रकट हुआ। ये जितना अभाव हुआ है ना कषायों का, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ कि उतना चारित्र उत्पन्न हुआ, तो ये नापने का औजार एक तरह से आपको दिया है कितना चारित्र उत्पन्न हुआ। कि जितना तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है उतना चारित्र उत्पन्न हुआ। जैसे स्वास्थ्य कैसा है, साहब पहले 102 डिग्री का टेम्परेचर था, अब वो कम आकर के 100 डिग्री का रह गया है, तो स्वास्थ्य को आपने किससे बताया, टेम्परेचर से बता रहे हो। टेम्परेचर मतलब बुखार, 100 डिग्री में भी बुखार है या नहीं है, लेकिन उस बुखार से ही स्वास्थ्य को बता रहे हैं कि स्वास्थ्य कैसा है, कम है, ठीक है, लेकिन कि पहले 102 डिग्री का था अब 100 डिग्री का हो गया है, तो इतना स्वास्थ्य ठीक हो गया है, बता बुखार से ही रहे हैं। 102 डिग्री भी बुखार ही है और 100 डिग्री भी बुखार ही है, लेकिन बुखार से किसको बताया जा रहा है, स्वास्थ्य को बताया जा रहा है। इसलिए अशुद्ध निश्चय ने इसे कहा कि बता चारित्र को रहे हैं, लेकिन बताया किसके माध्यम से राग जा रहा है, कि इतना राग का त्याग हुआ, इतने अशुभ का द्वेष का त्याग हुआ, तो इतनी चारित्र प्रकट हुआ है, लेकिन बताया समझाया किसके माध्यम से जा रहा है, ये राग के माध्यम से ही समझाया जा रहा है, इसलिए कहा अशुद्ध निश्चय ने। ठीक है, तो रागादि का त्याग, अंतरंग में जो रागादि का त्याग है वह अशुद्ध निश्चय नय से चारित्र है। इस प्रकार नए विभाग जानना, इस प्रकार निश्चय चारित्र के साथ व्यवहार चार्य का व्याख्यान किया। तो दो नयों के माध्यम से यहाँ पे चार्य का व्याख्यान किया, शुभ उपयोग में प्रवृत्ति की बात थी और अशुभ उपयोग से निवृत्ति की बात थी। तो शुभ उपयोग में प्रवृत्ति होना, तो बाही में शुभ उपयोग में प्रवृत्ति होना मतलब शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति होना। तो जैसे एक देश संयम में देखें तो 11 प्रतिमाओं का पालन होना क्रिया रूप में, और सकल संयम में देखें तो 28 मूल गुणों का पालन होना, ये सब जहाँ
व्यवहार ढंग की बात चल रही है तो वहाँ क्रियाओं की बात चल रही है कि क्रियाओं में इस तरह से शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति होना उसका नाम चारित्र, लेकिन मात्र इसका नाम ही चारित्र नहीं है कि मात्र क्रियाओं में पालन होना उसका नाम चारित्र नहीं है। तो अशुद्ध निश्चय ने से उसको स्पष्ट किया कि उतनी कषायों का अभाव होना उसका नाम क्या है, चारित्र है। तो पांचवें गुण स्थान में दो कषाय चौकड़ी का अभाव होना उसका नाम चारित्र है, और छठे सातवें गुण स्थान में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होना और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में उत्पन्न जो वीतरागता है वो वास्तव में क्या है, चारित्र है। तो इस प्रकार अलग अलग नयों के माध्यम से चारित्र का जो वर्णन है उसको यहाँ पे बताया है। मूल रूप से शुभ उपयोग में प्रवृत्ति होना, शुभ उपयोग में परिणामों को भी लिया और क्रियाओं को भी लिया। जब क्रियाओं को मुख्य किया जाएगा तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नये के प्रधानता से वह कथन होगा, और जहाँ परिणामों की मुख्यता से कथन किया जाएगा तो वहाँ अशुद्ध निश्चय नये की मुख्यता से कथन किया गया है। अब इसी को यदि एक देश शुद्ध निश्चय नये से कथन किया जाए तो वीतरागता को देखा जाएगा, इतनी वीतरागता की उत्पत्ति हुई अथवा वृद्धि हुई उसका नाम चारित्र है। एक देश शुद्ध निश्चय नये का कथन यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गया, माने संपूर्ण चारित्र प्रकट हो गया, साक्षात शुद्ध निश्चय नये का कथन हो जाएगा। ठीक, दृष्टि मात्र बदली है, कार्य तो वही हो रहा है, माने तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होना और उतनी वीतरागता का उत्पन्न होना अथवा राग द्वेष का अभाव होना और उतनी वीतरागता का उत्पन्न होना, कार्य तो यही हो रहा है, लेकिन एक एक नए अलग अलग एंगल से उस चारित्र को देख रहा है। जो दृष्टिकोण शरीर की क्रियाओं से चारित्र का वर्णन कर रहा है वह उपचरित असद्भुत व्यवहार है, जो दृष्टिकोण कर्मों के त्याग को देख रहा है वही प्रत्यक्षानावरण अप्रत्यक्षानावरण कषायों का अभाव हुआ तो इसमें भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का प्रयोग होगा, और जो दृष्टिकोण आत्मा में राग द्वेष के त्याग को देख रहा है वहां अशुद्ध निश्चय नये का प्रयोग हुआ, और जो दृष्टिकोण आत्मा में शुद्धि पर लक्ष्य करके चार्ज का वर्णन कर रहा है तो वहां एक देश शुद्ध निश्चय नये अथवा साक्षात शुद्ध निश्चय नये का प्रयोग हुआ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, मात्र नयों के दृष्टिकोण माने नयों का एंगल अलग अलग बदल रहा है, क्रिया तो वो सारी एक ही हो रही है, माने ऐसा नहीं होगा कि पहले कषाय का अभाव होगा फिर जाके क्रियाओं का पालन बाद में कभी होगा, ये सब एक साथ होने वाली क्रिया है। उसी क्षण अप्रत्यक्षानावरण कषाय का अभाव हो रहा है, उसी क्षण क्रिया में भी शुद्धि हो रही है, उसी क्षण अंतरंग परिणामों में भी निर्मलता हो रही है, ये सब कार्य एक साथ होने वाले हैं, लेकिन एक ही कार्य को देखने के नजरिए अलग अलग है, तो उसको अलग अलग नयों के माध्यम से उस चारित्र को स्पष्ट किया गया। जैसे सम्यक दर्शन के संबंध में अपन समझते हैं, सम्यक दर्शन में देव शास्त्र की श्रद्धा भी सम्मिलित है, तत्वार्थ श्रद्धान्वी है और आत्म श्रद्धान्वी, मात्र देखने के नजरिए ही तो बदले हैं, सम्यक दर्शन तो एक रूप ही है, लेकिन जहां सम्यक दर्शन हुआ वहां देवशास्त्र का श्रद्धान्वी है, सात तत्वों का श्रद्धान्वी है, आत्म श्रद्धान्वी है। अब निश्चय ऐसे कथन किया जाएगा तो आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाएगा, व्यवहार नये देखेगा तो वो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत को देखेगा। कौन पकड़ में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि देवशास्त्र गुरु वाला सम्यक दर्शन अलग हो एक में चारों कर देते हैं और आत्मा वाला सम्यक दर्शन कोई अलग हो, ऐसा नहीं, जहाँ आत्मा का श्रद्धांत हुआ वहाँ देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत भी है, जहाँ देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत हुआ वहाँ आत्म श्रद्धांत भी सम्मिलित है। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है, उसमें अलग अलग कोई भेद नहीं, ऐसे ही चारित्र तो एक ही है और उसको देखने के नजरिए अलग अलग हुए। ठीक, तो इस प्रकार निश्चय चारित्र के साधक व्यवहार चारित्र का व्याख्यान किया। ये निश्चय चारित्र का क्या है, अरे ये जो सराग चारित्र है अथवा व्यवहार चारित्र है यह निश्चय चारित्र का साधक है, और साधक है माने क्या, ये पूर्व भूमिका में पाया जाता है अथवा सहचारी है, इसलिए उसे व्यवहार चारित्र कहा जा रहा है। दो चीजें, पूर्व भूमिका में भी पाया जाता है और साथ में भी पाया जाता है। पूर्व भूमिका में माने जैसे बाहर की जो क्रिया रूप चारित्र है वह उसकी पूर्व भूमिका पहले से ही प्रारंभ हो जाती है, जैसे सम्यक दर्शन के सन्मुख यदि कोई व्यक्ति हो, जैसे सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहते हैं, तो उसके परिणाम भी तद अनुरूप मंद होते चले जाते हैं,
और क्रिया में भी सहजी अन्याय अनिति अभक्ष्य का भले प्रतिज्ञा पूर्वक त्यागी ना हो लेकिन उसका एक सामान्य जो अभाव जीवन में होता है वो देखने में आता है। तो ये पूर्व भूमिका ऐसे ही पांचवें गुरु स्थान की पूर्व भूमिका कि भाई जो प्रतिज्ञा लेना प्रारंभ कर देता है नियम लेना प्रारंभ कर देता है भले ही अभी वर्तमान में पांचवें गुरु स्थान संबंधी शुद्धि की उत्पत्ति ना भी हुई हो लेकिन एक पूर्ण भूमिका रूप से बाहर का आचरण तद अनुरूप होने लगता है। अरे जब पूरी दीक्षा धारण करते हैं तो वो भी या तो पहले गुरु स्थान में धारण होगी या चौथे पांचवें गुरु स्थान में धारण होगी माने बाहर का जो भेष है माने वस्त्रों का त्याग है 28 मूल गुणों का पालन है तो पूर्ण भूमिका रूप से तो मैं पहले गुरु स्थान में चौथे गुरु स्थान में या पांचवें गुरु स्थान में ही होगा और तब जाकर के जब बाहर में वस्त्रों का त्याग हुआ और फिर शुद्ध उपयोग में लीन होते हैं तब जाकर के तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। तो एक तो पूर्ण भूमिका में बाहर की जो क्रिया रूप आचरण है वह पूर्ण भूमिका में रहता है इसलिए उसे निश्चय चारित्र का साधक कहा। दूसरा कि वह चारित्र जो जब निश्चय चारित्र उत्पन्न हो गया माने वीतरा चारित्र उत्पन्न हुआ तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो उस समय वह शुभ भाव रूप से विद्यमान रहता है माने जहाँ तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो वहां 28 मूल गुणों का पालन रहता ही है माने 28 मूल गुण संबंधी जो शुभ राग है वो सहचारी रूप से रहता ही रहता है। इस कारण से चूंकि साथ में पाया जाता है इसलिए उसे निश्चय चारित्र का साधक कहा। माने क्या कि साधक पना मतलब मात्र इतना साधक पना है कि उसके रहते हुए भी वीतरा चारित्र रह सकता है बाधक नहीं है इसलिए बस साधक कह दिया। माने क्या कि वीतरा सराग चारित्र माने उस राग के रहते हुए भी तीन कषाय चारित्र के अभाव तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जो शुद्धि हुई है वो रह सकती है मात्र उसके रहने से इसका अभाव नहीं होता है बस इसलिए उसे क्या कहा साधक कहा है। साधक का मतलब ये नहीं समझना कि उसके होने से वीतरागता प्रकट होगी शुभ राग करते करते वीतरागता हो जाएगी ऐसा साधक पना नहीं है लेकिन शुभ राग के रहते रहते भी वो स्वरूप में लीनता हो जाती है बस इसलिए उसे क्या कहा साधक कहा बस इसलिए उसे सहचारी पना कहा गया है। स्वरूप की लीनता में वो बाधक नहीं है रहते हुए भी बाधक नहीं है। हाँ माने जिस समय वो स्वरूप में लीन है उस समय भी वो जो शुभ राग है वो पाया जा रहा है तो शुभ राग के होने पर भी जीव वीत रागता माने स्वरूप में लीन हो जाता है बस इसीलिए इस रूप से बाधक नहीं है इसलिए कहा कि वह कैसा है साधक है लेकिन राग करते करते वीत रागता हो जाएगी इस रूप साधक पन्ना उसपे नहीं है। वास्तव में तो राग का पूर्णतः अभाव होने पर ही चारित्र उत्पन्न होगा जो यथाख्यात चारित्र है वह कब उत्पन्न होगा राग के रहते रहते भी यथाख्यात चारित्र उत्पन्न नहीं होता पूर्ण राग के त्याग होने पर ही यथाख्यात चारित्र उत्पन्न होता है। तो इस बात से हमें समझ में आता है कि वास्तव में राग के कारण वीतरागता नहीं है लेकिन वीतरागता के साथ राग पाया जाता है बस इसीलिए उसे भी चारित्र संज्ञा दी गई है बस इसलिए उसे भी साधक कहा गया है निश्चय चारित्र का। ठीक है तो इस प्रकार निश्चय चारित्र के साधक व्यवहार चारित्र का व्याख्यान किया। अब उसी व्यवहार चारित्र से साध्य निश्चय चारित्र का निरूपण करते हैं। अभी 46वीं गाथा में जो वीतराग चारित्र है अथवा निश्चय चारित्र है जो स्वरूप में लीनता रूप चारित्र है उसकी चर्चा ये 46वीं गाथा में करेंगे उसकी चर्चा अपन कल से ही प्रारंभ करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में फिफ्थ नंबर 19 पेज नंबर 27 फिफ्थ नंबर 19।
हमने तो घूमी चार गतिया ना मानी जिने वाणी की बतिया हमने तो घूमी चार गतिया ना मानी जिने वाणी की बतिया वाणी की बतिया हमने तो भूमि चार गतिया न मानी जिने वाणी की बतिया असुमन से भीग गई अखियां जमानी जिने वाणी की बतिया हमने तो भूमि चार गतियां जमानी जिने वाणी की बतिया अपनी सुरतिया न मानी जिने वाणी की बतिया हमने तो भूमि चार गतिया न मानी जिने वाणी की बतिया मर के फिर वे पेड़ पतिया न मानी जिने वाणी की बतिया हमने तो भूमि चार गतिया न मानी जिने वाणी की बतिया सतगुरु की वाणी सुमतिया न मानी जिने वाणी की बतिया हमने तो भूमि चार गतिया न मानी जिने वाणी की बतिया जवान के ज्ञान से सूझे रूखा लो तो वाणी मतलब